नोएडा में ईद मिलाद उन नबी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। आपको बता दें कि नोएडा में ईद मिलाद उन नबी के मुबारक मौके पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा सेक्टर 8, 9, 10 में जुलूस निकाला गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने दुनिया को मानवता के राह पर दिखाई। उनकी दया, सहनशीलता, मानव सेवा तथा भाईचारे का उनका संदेश सदैव समाज के लिए प्रेरणादायी रहेगा। आज का दिन मुस्लिम समुदाय के द्वारा धार्मिक स्थलों, सड़कों व अपने मकान को इलेक्ट्रिक की झालरों से सजाते हैं। नोएडा से संवाददाता अफजल चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, पवन कमल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफजल चौधरी। आज पूरे मुल्क भर में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर में जुलूस निकाले जा रहे हैं, जगह जगहों पे छबील के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ आस्थान रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। आइए जानते हैं आज के दिन मुल्क की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर हुसैन है। आज आपका ये सबसे बड़ा पर्व है, आज के दिन मुल्क की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज के दिन हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की पैदाइश के दिन है। पूरे देश में, पूरे उम्मत में मुसलमानों को सही रास्ते में चलने के लिए दिशा निर्देश देता है कि आज हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पे चले। आइए हमारे साथ और हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो जुलूस निकालने हैं ये प्रशासन से परमिशन लेके है या अपनी मर्जी से मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मौलाना मोहम्मद एहसान कादरी, अध्यक्ष मदरसा हजरत उमर। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस मोहम्मदी काफ़ी अरसों से निकलता हुआ आ रहा है और इस साल भी प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन से परमिशन लेते हुए मेरे पास मौजूद है प्रशासन का कागज़ और अमन और सुकून के साथ में हमारा ये जुलूस सेक्टर 9 बैंक ऑफ इंडिया से होते हुए इस टाइम सेक्टर 8 की तरफ पहुंच चुका है और बड़े सुकून इत्मीनान के साथ में और हमारा जो है पूरा सहयोग कांधे से कांधा मिलाकर प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। आइए जानते हैं और लोग भी हैं उनसे पूछेंगे ये जुलूस किस टाइम निकलता है और कब इनका ख़त्म होना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एसडी खान है। ये आप जो जुलूस निकालते हैं ये किस टाइम से निकालते हैं और कब खत्म? सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सलात व सलाम पढ़ते हैं जी। उसके बाद आका की शान में हम लोग जुलूस निकालते हैं। जिस तरह से उन्होंने अमन और चैन का, सुकून का उन्होंने अपना पैगाम दिया था, वही सेम पैगाम को हम फॉलो कर रहे हैं। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम आपस में सिख ईसाई, इसी को एक पैगाम दे रहे हैं। ये आप कहाँ से शुरू करते हैं? हम सेक्टर 9 की सेक्टर 8 से शुरू करते हैं और पूरा जुलूस मिलते हुए सब लोगों को घूमते हुए स्टेडियम से घूमते हुए वापस हम सेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया के पास खत्म करते हैं। ये थे आस्थान रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जिन्होंने बताया कि वो अपने पर्व को किस तरह से मनाते हैं। आइए जानते हैं एक और साहब, क्या नाम है आपका? इसराफिल अहमद रजवी। आप ये जो पर्व है सबसे पहले ये बताएं मुस्लिम समुदाय का ये सबसे बड़ा पर्व है या नॉर्मल पर्वों की तरह पर्व है? सबसे बड़ा पर्व है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवसुल से और उनके यादगार में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है और अमन और शांति का पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आज उसी के अमन और शांति के पैगाम पाते हुए हम सबों को एक अखलाक और मोहब्बत के बुनियाद पर ये जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। मुल्क की आवाम को कोई आज एक ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? मुल्क के पैगाम, मैं ये आवाम का पैगाम देना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अमन और शांति का पैगाम दिया है हम सब कांधे से कांधा मिला करके अमन सुकून के साथ और अखलाक मोहब्बत के साथ हम सब मुल्क में और अमन शांति के साथ हिंदुस्तान में रहें। ये थे आस्थान रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जिन्होंने बताया कि हमारे हुजूर ने अमन और चैन की बताया है जिसके लिए यही उसी के लिए जुलूस निकाल रहे हैं और मुल्क की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि भाईचारा अमन और चैन बना के रखें। कैमरामैन मकबूल आलम के साथ नोएडा से अफजल चौधरी।